कल शाम प्रचार का शोर भी थम गया और इसके साथ ही नेताओं की मेहनत तपस्या का लेखा जोखा भी आ गया। चलाने वाली गर्मी में किस नेता ने कितना पसीना बहाया, इसके आंकड़े आ गए। प्रधानमंत्री केंद्रीय नेताओं में सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बने तो क्षेत्रीय नेताओं में तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली। नरेंद्र मोदी के प्रचार की ताकत से इतनी धूल जमीन पर उठ चुकी है जिसके नतीजे 4 जून को 400 पार के दावे को सच कर सकते हैं। दसों को बार ऐसा समय आया है पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। ...2014 में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार से 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी देश में तय की थी। वो पहला चुनाव था, ये तीसरा चुनाव। इस बार के चुनाव में 75 दिन प्रचार हुआ। पीएम मोदी ने कुल 162 रैली की, 20 रोड शो, 24 इवेंट, यानी दोहरे शतक से ज्यादा, 80 तो इंटरव्यू दिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के चुनाव में उतरे तब सबसे लंबा प्रचार अभियान संभाला था। दावा था कि तब 437 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की थी। 2019 के चुनाव में 142 रैली की। इस बार सिर्फ रैली की बात करें तो 2024 में 162 रैली प्रधानमंत्री ने की। इस बार 7 चरण के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्य कमान प्रचार की राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाली। अगर तुलना करके देखें तो एक तरफ 73 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 206 रैली, रोड शो और इवेंट में प्रचार करते हैं, वहीं राहुल गांधी जिनकी उम्र 53 साल है वो 107 चुनावी सभाएं, इंट्रेक्शन और इवेंट में शामिल होते हैं। राहुल के प्रचार में खासियत ये जरूर दिखी, वो हाथ में संविधान की प्रति लेकर हर सभा में बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते रहे। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है, और जो छुएगा उसका मुकाबला हम सब करेंगे। राहुल गांधी से ज्यादा प्रचार की जिम्मेदारी इस बार प्रियंका गांधी ने उठाई। प्रचार की वजह से ही वो ना तो अमेठी से लड़ी ना रायबरेली से। प्रियंका गांधी ने 16 राज्यों में 55 दिन के भीतर 140 से ज्यादा रैली की, रोड शो किए। 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा रैली और रोड शो किए हैं। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 रैली और रोड शो किए, 15 राज्यों में प्रचार करने पहुंचे। इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है, चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होते जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 राज्यों में प्रचार करने पहुंचते हैं, 125 लोकसभा सीट कवर करते हैं, 134 चुनावी सभा और रोड शो करते हैं, 85,957 किलोमीटर की दूरी इस प्रचार के दौरान तय करते हैं। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था, टी का घोटाला किया कि नहीं किया, 3G का घोटाला किया कि नहीं किया, कौन सा घोटाला कांग्रेस।